नमस्कार दोस्तों। और हमारे पिछले वीडियो में हमने कौरवों और पांडवों के अनेक मंदिरों के दर्शन किए थे, और अब चलते हैं अष्टापद। जैन समाज का बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और यहाँ आकर आपकी फैमिली और आपके बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। अष्टापद यानी कि 8 मंजिल ऊंचा यह है मंदिर है, और इसकी कुल ऊंचाई 151 फीट है। यह पूरा मंदिर बहुत विशाल शिलाओं को काट काट कर बनाया गया है, और इसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। असलियत में इस मंदिर को अष्टापद पर्वत का रूप देने की कोशिश की गई है। यह वही पर्वत है जहां भगवान ऋषभदेव को निर्वाण प्राप्त हुआ था। मंदिर के अंदर की भव्यता को देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे अंदर से देख के। बहुत ही सुंदर नजारा है अंदर। मंदिर के अंदर भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, कि बहुत सुंदर मूर्ति है, उनके 100 बेटों और 2 बेटियों की भी मूर्तियां अंदर लगी हुई हैं दीवारों पर। बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि भगवान ऋषभदेव भगवान शिव जी का ही एक रूप थे, क्योंकि ऋषभ का मतलब भी बैल होता है, और भगवान शिव को भी बैल बहुत प्रिय था। और अब हम चलते हैं मंदिर के चारों तरफ, जो एक परिधि है और इससे ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ 8 पद हैं, और हर पद से आप बाहर देख सकते हैं, और बहुत सुंदर नजारा है। और अब हम मंदिर के ऊपर आ गए हैं, 151 फुट ऊपर, और वास्तुकला आपका मन मोह लेगी। और चारों तरफ बहुत दूर दूर तक के सारे मंदिर यहां से दिखाई देंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, और उनकी यहाँ मूर्तियां हैं। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम हस्तिनापुर की कुछ और नई जगहों पर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।